वीडियो स्टार्ट होने से पहले तो तेल भरा लेते हैं, क्योंकि कहीं भी निकलना हो तो सावधानी परख लेते हैं, नहीं तो सफ़र का ही था, मैं सफ़र का ही रह जाऊँगा, जाना है बहुत दूर। और अब आप लोग वीडियो आप लोग सामने जो आने वाला है आप लोग देखिए, आप लोग इन्जॉय करिए। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये ट्रैफिक देखिए आप, कॉन्टेक्स्ट में लग ही नहीं रही है कोरोना है। तो गाइस अभी क्या बताएं, जो वेदर है ना, सुबह का जो व्यू है मतलब गजबी लेवल का है, इसलिए मुझे मॉर्निंग में सुबह सुबह उठना बहुत पसंद है। और मैं जहाँ जा रहा हूँ वो बहुत मतलब फेमस ढाबा है, और आप मुझे लगा भी भूख है। आई नो आप लोग सोच रहे हैं कि हर वीडियो में बोलता है मुझे भूख लगा बहुत भूख कर रहा है। एक कहावत है ना कि एक बोला जाता है कि खाया पिया अंग लगेगा, बचा कुचा जंग लगेगा। तो वो कहावत मेरे ऊपर सूट करता है कि खाओ पियो मस्त करो, मजा ना करो, टेंशन ज़िंदगी है, आना जाना लगा रहता है। सो गाइज अभी आप लोग जस्ट वीडियो देखिए और इन्जॉय करिए। इतने लंबे राइड के बट हम लोग कितने 16 में निकले थे ना, ऑलमोस्ट कितना किलोमीटर दूरी है, 70 मान ले, 70 किलोमीटर होगा। तो हम लोग 70 किलोमीटर एक घंटे में मतलब डिस्टेंस पूरा किए है, और पूरा हाईवे जी अभी हम लोग शेर पंजाब में आए हैं। और आज मैं अपने एक नए फ्रेंड मतलब बहुत पुराना फ्रेंड है मेरा, क्लासमेट है स्कूल का, तो उसके साथ में आया। तो हेवी टू मिस्टर मनीष त्रिवेदी। हाँ ऐसे नहीं भाई, नमस्कार होता है, राम राम होता है। कैमरा के सामने तो सरवाओ मत। तो कैसा लग रहा है सुबह उठ के यहाँ पर आने का? बहुत सही है, मॉर्निंग राइड तो हमेशा से ही फेवरेट रहा है मेरा। एंड आई जस्ट लव टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस, हाईवे मेरे को हमेशा से ही मेरे को अच्छा लगता है। और बस रोड जहाँ ले जाएगा वहाँ चले जाएंगे। एक्चुअली क्या है कि हम लोग प्लान किया संडे है, तो सुबह हम लोग सोचे कि राइड पे चलते हैं। हम लोग के जहाँ लोकेशन है वहाँ से यहाँ 70 किलोमीटर, तो हम लोग एक घंटे में कवर किए। यहाँ पर सोचे कि शेरे पंजाब में बाहर भी खाने का अच्छा वैसे बाहर आप देख सकते हैं खटिया वटिया लगा है, बाहर में बैठ कर खा सकते हैं। बट हम लोग को अच्छा लगा अंदर खाने, क्योंकि अभी कोरोना का टाइम है तो इसलिए बाहर ज़्यादा उतना अच्छा नहीं लगा, इसलिए हम लोग अंदर में। तो अभी ब्रेकफास्ट का ऑर्डर करते हैं, खाने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। तो फाइनली मेरा ब्रेकफास्ट आ गया सुबह। ये आप देख सकते कितना सा लाइन से हेलमेट यहाँ पर खड़ा है। और ये ब्रेकफास्ट है मेरा सुबह का, बस अभी खाया और उसके बाद थोड़ा बाहर निकल के आप लोग का नज़ारा दिखाते हैं। सामने हाईवे और सुबह सुबह ब्रेकफास्ट, तो मतलब नज़ारा ही रंगीन हो जाता है। और ये मिस्टर त्रिवेदी जी आते ही स्टार्ट हो गए हैं, खाने में भिड़ गए हैं। ये एक्चुअली शेरे पंजाब रेस्टोरेंट है कलकत्ता का मतलब हाईवे में सबसे बड़ा ढाबा है, यहाँ बहुत फेमस ढाबा है कलकत्ता का। अपने फ्रेंड के साथ एक बाइक राइड में, तो एक्चुअली हम लोग को मोटर राइड करना बहुत पसंद है, तो हम लोग सुबह जैसे अभी निकल गए। अपना क्या कि प्लान बनते ही जब मन करता तब निकल जाते हैं, कोई प्लान बोल के होता नहीं है। और मिस्टर मनीष सिंह अभी फ़ोन में बात करते हुए, मनीष त्रिवेदी लड़का सही है, खाने में भी मस्त है, चाय पीने में भी मस्त, सब में हर चीज़ में आ गया है। तो कैसा लगा तेरे को शेरे पंजाब का खाना ब्रेकफास्ट आउटस्टैंडिंग सुबह तुम डोसा खा लिया, अभी थोड़ा प्रॉब्लम भाई, सुबह डोसा नहीं खाएगा तो क्या भाई, साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट चीज़ को अच्छा नहीं लगता है, समझाओ। सुबह क्या खाएगा, कचौड़ी खाएगा? कचौड़ी कौन खाता है? तो और क्या खाएगा? खा सकता था इडली का सैंडविच, खा सकता था आलू पराठा, खा सकता था आलू पराठा, बहुत हेवी हो जाता भाई। मतलब ठीक है भाई, तिवारी डोसा डोसा अच्छा है, मतलब साउथ इंडियन अच्छा लगता है, और भी यहाँ का खाना अच्छा था। चटनी देने प्रॉब्लम था शेरे पंजाब, इतने दूर आए हैं तो आपको तो अपने मनपसंद खाना। हाँ वैसे हम बहुत टी लवर पर्सन है और ये दारू लवर बैग से नहीं डालेंगे भाई, पगला है कुछ भी बोल रहा है, अरे ना डालेंगे इसको, ऐसे प्रेस करो पानी गिरेगा, प्रेस करो बंद हो जाएगा। बंद क्यों नहीं हो रहा है? अरे बिना बिना हेलमेट ले निकल जाएगा यहाँ। सैनिटाइज कर लो अपने आप को, ये क्या सैनिटाइज हो ही नहीं रहा है।
खाली हवा में दिखाने के लिए रखा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हाँ क्या देख सकते हैं, सिस्टम है मतलब सैनिटाइजर बनाया हुआ बट सैनिटाइज काम नहीं कर रहा है। तो फिलहाल और हम लोग अब यहाँ से निकलते हुए थोड़ा सेटअप कर लेते हैं, मनीष त्रिवेदी हम भी रेडी हो जाते हैं। निकालने का तो जगह नहीं, चारों तरफ बाइक लगा दीजिए पीछे आगे, और मनीष त्रिवेदी बाइक को उठाते हुए अपने बॉडी सो बॉडी का प्रदर्शन कर रहा है। मतलब भाई गंवार था, बाइक लगा के चला गया था। हाँ गंवार था ना, नहीं है हाँ वो एकदम मनीष त्रिवेदी जैसे ही जाते रहे ऐसा था। तो अभी 8 बज रहे हैं, हम लोग बस अब ब्रेकफास्ट खत्म करके यहाँ से निकल रहे हैं, और यहाँ से ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर वापस हम लोग जाना है। तो सुबह सुबह तो एक्चुअली ठंडा था बट अभी सूरज देवता का प्रकोप हम लोग के ऊपर आने लगे, तो अब यहाँ जाते समय थोड़ा कठिनाइयाँ झेलना पड़ेगा। तो त्रिवेदी जी आगे देखेंगे, हम त्रिवेदी जी का पीछे चिपक के बैठने वाले हैं। टेक केयर, डोंट वरी, यू टेक केयर, ओके ब्रो, आई ट्रस्ट यू। दो घंटा से हम लोग बाइक पे चल रहे थे, तो बैक का हालत ख़राब हो गया, मतलब बैक का हालत सबसे ख़राब हो गया भाई। देखो ये हैंकी समझ के रखा अपना चश्मा को, मेरा टी शर्ट पहुँच रहा है, बारिश हो के रुक गया तो थोड़ा ग्लास पे फ्रॉस्ट हो जा रहा है, और फिलहाल अब वाइपर नहीं है ना, बहुत हालत ख़राब हो गया था अभी। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा टाइम लैप्स? बहुत ही मतलब बहुत ही सुंदर नज़ारा अभी हम लोग, मतलब यहाँ से हाईवे से आ रहे थे, तो मैंने लिटरली अपने दोस्त को बोला कि बाइक रोके यहाँ पर और फिर पहले यहाँ पर टाइम लैप्स लेते हैं। तो ये देखिए बाइक कहाँ खड़े हैं यहाँ, इसको हम लोग ऊपर से मैं फांग कर यहाँ पर आया टाइम लैप्स लेने के लिए। तो मनीष त्रिवेदी जी यहाँ पर है, मोबाइल से अपना स्नैपशॉट ले रहा है। तो वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, क्योंकि आगे हो सके अभी और क्लिप ऐड हो सके आगे का, बट अभी मैं वीडियो को यहीं पर चाहता हूँ, क्योंकि मनीष अभी यहाँ से हम लोग फिर वो अपने घर से अपने घर पर, इसलिए मैं वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहता हूँ, साथ में मनीष है। तो आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और इंस्टाग्राम में अनिकेत तिवारी को फॉलो करना मत भूलिएगा, और बाकी मजा न करे लाइफ, हिंदी रहो, स्टे रहो, सेफ रहो, और बोला जाते भाई टेक केयर, ट्रैवल सेफ। कुछ बोला जाए तो बोलने वाले थे ना कुछ पहले, क्या बोले थे तुम? क्या बोलेंगे, क्या सब्सक्राइब करो नहीं तो नहीं रहने दो, अब बोलो कैमरा चलाने बोल, कैमरा चलाने बोल, सब्सक्राइब कर दो यार। अरे अच्छे से लेके चलना चाहिए, सबका साथ सबका विकास होगा। अच्छा उस समय क्या बोले थे? वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो बताइए, जरूर करिए कमेंट करके बताइए कैसा लगा आप लोग, यहाँ से क्रॉस करते हैं कैसे पकड़ भाई, बहुत सारा मारेगा भाई, गिटे बचे हाथ पूरा गंदा लग गया।